आ चुका है कि एक 80 वर्षीय महिला बुजुर्ग इंदिराबाई हटवार को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चला और वह गंभीर स्थिति में। हालांकि फिर भी उसके परिवार वालों को उनकी देखभाल नहीं कर रहे। इसके विपरीत जो उनकी देखभाल कर रहा है उस पोते के साथ मारपीट किए जाने की बात सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में बुजुर्ग महिला के पोते राजेश बावनकुए ने दी। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला इंदिराबाई हटवार की हालत इतनी खराब है कि वह अपने दोनों पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती और चल भी नहीं सकती। ऐसी विकट स्थिति में उसके इलाज के लिए यहाँ तक कि साधारण भोजन और कपड़े भी नहीं नसीब हो रहे हैं। उसने अपने पोते राजेश को इस परेशानी के बारे में बताया, जिसके बाद इस संबंध में उन्होंने कोई पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। बुजुर्ग महिला को 5 बच्चे हैं। 5 लड़कों ने उसकी ओर से आंख मूंद दी है। इस संदर्भ में उनके पोते ने अधिक जानकारी साझा की। त्या फोटोग्राफ देतो मी, सगळं तुम्हाला अवेलेबल करून देतो। पण वाईट त्याच्याही वाटलं की आज पोलीस स्टेशन आहे, न्यायालय आहे, जिल्हे आहे, तहसील आहे, हे सगळी व्यवस्था असल्यानंतरही जेव्हा सर्वात प्रथम आम्ही त्या पोलीसच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली तर त्या पोलिसांनी आमची तक्रार लिहून घेण्यास नकार दिला होता। जेव्हा मी तिथे माझी ओळख सांगितली आणि मी सांगितलं का मी कोणतं सामाजिक कार्य करतो, तेव्हा त्यांनी ती तक्रार लिहून घेतली। पण तक्रार लिहून फक्त ते कागदपत्रे त्यांनी औपचारिकता पार पाडली आणि 1 महिना झाल्यानंतरही कुठलीही कारवाई केली नाही आणि ते जे दोषी व्यक्ती आहे ते मोका टेकांच्या सांगण्याप्रमाणे फिरत आहे आणि त्यांची आई जी आहे ते शेवटचे श्वास मोडत आहे। पत्र परिषद संबोधित करते दरमियान राजेश बावनकुए, रमेश वाटकर, धनंजय इंगोले, चंद्रकांत बावनकुए और लक्ष्मण वैरागड़े मंच पर उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज़, नागपुर।